हेलो एवरीवन, आज एक छोटा सा केस डिस्कस करेंगे। तो ये केस अराउंड 35-36 इयर्स की एक फीमेल का है, और वो हाउस हेल्प का काम करती थी, मेड का काम करती थी। तो ये मेरी पुरानी पेशेंट थी, है ना। और ये क्या हुआ, करीब 1 साल के अंतराल के बाद, लगभग 1-1.5 साल के अंतराल के बाद ये आई दोबारा लौट के मेरे पास। जब 1-1.5 साल पहले मैं जब इनका इलाज करता था, तो शी यूज टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एब्डोमिनल कभी डिस्कम्फर्ट हो गया, कभी बैक पेन हो गया, है ना, कभी हेडेक हो गया। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आई यूज टू गिव मेडिसिन। तो बहुत ही मतलब माइल्ड, अच्छे स्वभाव की, और हंसी मजाक भी थोड़ा क्लिनिक पे कर लिया। तो मैं उस तरह से दवा देता था जो जिस तरह के सिम्टम होते थे। और जब ये अब आई 1-1.5 साल बाद, तो उनके आने के पीछे का कारण ये था कि वो बोली कि सर क्या है, मेरे को करीब 1-1.5 महीना हो गया और मुझे फीवर आता रहता है, अक्सर शाम के समय फीवर आता है, और मतलब एकदम अंदर से ठंडक लगती है, और ऐसा डेली भी नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, कभी कुछ दिन छोड़ के होता है, कभी हफ्ते में एक बार हो जाता है। तो सर यही प्रॉब्लम है। मैंने बोला अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया होता है कई बार कि क्या वो सोचता है बीमारी के बारे में, कि बीमारी क्यों है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो मैंने पूछा कि क्या लगता है क्यों है आपको ऐसा। उन्होंने कहा कि सर वो क्या है कि ये ऑपरेशन हुआ था मेरा अपेंडिसाइटिस का, अभी 6-7 महीने पहले क्या हुआ, मुझे पेट में एकदम से तेज दर्द उठा और मुझे एडमिट किया गया। तो उन्होंने बताया कि आपको अपेंडिसाइटिस हो गया, बहुत सीवियर है और इसको निकालना पड़ेगा। तो फिर सर ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन कराने के बाद से सर ये समस्या है ना, मतलब चल रही है, ऐसा चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, ठीक है। तो सर ना, मैं मतलब इससे बहुत परेशान हो गई हूँ, बुखार आता रहता है हर समय। मैंने और फीवर की मॉडलिटीज़ पूछी, तो ऐसी कोई खास मॉडलिटीज़ नहीं थी, कोई थर्स्ट या परस्पायरेशन या कोई इस तरह का नहीं था, बस उनको ठंड लगती थी। मैंने बोला तो आपने अभी तक क्या किया, कैसे मैनेज किया। तो सर ऐसा क्या हुआ कि अभी तो 1-1.5 महीने से परेशान है, तो अभी तो कभी मेडिकल से कुछ दवा लेके खा लेते हैं, कभी कुछ एंटीपायलेटिक खा लिया, कोई एंटीबायोटिक खा लिया, कुछ खा लिया तो थोड़ा बहुत रिलीफ आ जाता है, पैरासीटामोल वगैरह खा के। मैंने बोला अच्छा ठीक है। और तो अभी सर 2-3 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे भी क्या है, डॉक्टर ने सर है ना जांचें कराई, टेस्ट्स कराए, इन्वेस्टिगेशन कराए, और काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, उसमें CBC कराया उन्होंने, मलेरिया की जांच कराई, टाइफाइड की जांच कराई, और TB की जांच कराई, जो यूजुअल इन्वेस्टिगेशन होते हैं टू रूल आउट फीवर, उसमें कहीं कुछ नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, ठीक है, तो अभी 1 महीने से आप जो है इसको इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो फिर आज आने की आपने कैसे सोचा। उन्होंने बोला कि सर मतलब है ना, क्या है, आराम नहीं आ रहा उससे, उस मेडिसिन से, मतलब दोबारा आ जाता है, तो इसलिए अब हम है ना सोचे सर कि आप मतलब है ना पहले भी एक बार ट्रीटमेंट किए थे ऐसे फीवर वगैरह का, तो इसीलिए हम। अच्छा, ठीक है। बोलते हैं सर ऐसा थोड़ा मन में डर भी है। बोला क्या डर हो गया। बोलते हैं कि सर क्या है कि ऐसा लग रहा है ना कि अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने बोला अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको। बोलते हैं सर अंदर ही अंदर है ना कुछ तो मतलब है ना डिजीज़ जो है वो मतलब कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, जब से वो ऑपरेशन हुआ है तभी से लग रहा है कुछ दिक्कत तो है, तो सर ऐसा कुछ है ना, मतलब हो तो नहीं जाएगा कोई बीमारी। बोला अच्छा, ठीक है, देखते हैं। तो उस समय वही डेल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड और रॉन्ग सफर्ड हुआ,
ऑपरेशन हुआ उसके बाद है ना ऐसा हो गया, प्रॉब्लम आ गई, ऐसे करके मैंने काफ़ी मैकेनिकली क्या है रूब्रिक लगाए और लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया। मैंने बोला एक हफ्ते बाद बताइएगा, आए 1% भी आराम नहीं, नो रिलीफ। तो मैंने दोबारा पूछा, मैंने बोला कि क्या कुछ और भी है मन में, कुछ डाउट तो नहीं चल रहा आपको, क्योंकि फीवर का पैटर्न वैसा ही वैसा, पेशेंट की एनर्जी वैसे की वैसी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आपका प्रिस्क्रिप्शन गलत होगा ना तो पेशेंट को आप देखेंगे तो उसके जो हमने पहले भी बात किया था कैल्केरिया फ्लोर वाले वीडियो में बात किया था, वो पेशेंट की एनर्जी वैसे की वैसे। मैंने बोला ठीक है, तो और भी कुछ लगता है क्या आपको? तो उन्होंने बोला कि सर एक्चुअली ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये टाइफाइड तो नहीं है। मैंने बोला कि टाइफाइड क्यों लग रहा है आपको? अरे वो क्या है सर, मैं एक उनके यहाँ काम करने जाती हूँ एक घर में, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को बताया कि टाइफाइड हो सकता है तुमको, उसमें इस तरह से बुखार आता है। तो सर है ना कुछ जांच इसके लिए ना करा लें क्या टाइफाइड के लिए? मैंने बोला अच्छा, तो नहीं सर क्या है ना एक्चुअली आपने सर आप पहले वो ट्रीटमेंट जैसे करते थे उस टाइम पे, तो उस समय भी मैं पेट में सर दर्द बताती थी ना, तो सर वो उस टाइम देखिए वो अपेंडिसाइटिस बन गया, मतलब आप दवा देते थे इसलिए फ़ायदा नहीं होता था सर, क्योंकि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम रही होगी इसलिए फ़ायदा नहीं होता था, और अब है ना इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि सही कह रही है। अच्छा, तो क्या किया मैंने ऐसे केसेस में, अगर पेशेंट डिमांड करता है तो वी शुड इन्वेस्टिगेट। आई न्यू दैट 99% की इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है, बिकॉज जब टेम्परेचर ले रहे हैं हम पेशेंट का, कोई टेम्परेचर नहीं आ रहा, कुछ नहीं, पर फिर भी हमने जांच कराया कि कई बार क्या होता है लो इंडेक्स का भी होता है इन्फेक्शन, तो कई बार नहीं आता है उसमें टेम्परेचर नहीं आता, बट पेशेंट को फील होता है। तो जब उसमें जांच कराई ना तो उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आई, कोई मलेरिया नहीं, कोई टाइफॉइड नहीं, कुछ नहीं। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि पेशेंट का ये कहना था सर ये जांच में तो नहीं आया कुछ, तो मैंने बोला अच्छा अभी फीवर कैसा है? अभी कुछ रिलीफ तो लग रहा है लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, और गैस वगैरह की भी अभी भी समस्या है सर। मैंने बोला ठीक है। What I did was, then I understood the case completely. And then what I did, I prescribed her Pulsatilla. Pulsatilla क्यों दिया? देखिए इस केस में जो समझने वाली बात है ना, पेशेंट की पूरी जर्नी को समझिए। पेशेंट क्या होता है, Pulsatilla का जो पेशेंट है वो आपसे लाइट नहीं मांगता एक्चुअली, है ना? या यहाँ पर पेशेंट को रॉन्ग सफर्ड का नहीं है प्रॉब्लम कि कुछ, या डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड नहीं है, ये समझिए इस केस को। ये हम क्या करते हैं गलती, एक किसी ने मुझसे पूछा था कि माइंड मेथड को सर एक्सप्लेन करिए। माइंड मेथड के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं, आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचिंग्स मिल जाएंगे, लेकिन और डॉक्टर सहगल सर ने जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इस माइंड मेथड से, तो उन्होंने जो ऑलरेडी हमारे पास हथियार थे ना, ऑलरेडी जो रेपर्टरीज में जो माइंड सेक्शन है और सब है, उसको उन्होंने और बेहतर ढंग से उपयोग करना सिखाया कि कैसे आप पेशेंट को और डीपली समझ सकते हैं, कैसे आप और बेहतर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रेमिडीज को। उन्होंने भी यही सिखाया है कि जो आपका रूब्रिक का सिलेक्शन होना चाहिए ना, वो ऐसे मैकेनिकल नहीं होना चाहिए कि पेशेंट हंस रहा है तो हमने चीयरफुल ले लिया, ऐसे नहीं। उसके पीछे का वाई जाने, हाउ जाने, कि क्यों हंस रहा है भाई, कैसे हंस रहा है वो, कुछ तो होगा ना रीजन। उसके पीछे का भाव समझें, एसेंस को समझें, उसके पीछे क्या है। ऐसे मैकेनिकली अगर हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये सुपरफिशियल प्रिस्क्रिप्शन होगा, रेमेडी कई बार सेलेक्ट सही होगी नहीं होगी कह नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए पेशेंट एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहता था,
उसको मन में किसी ने डाउट क्रिएट किया, किसी ने कहा उससे, तो वो उस बात पे विश्वास कर लेता है. इट इज कॉल्ड इम्प्रेशनेबल. और फिर उस पर अमल भी करता है ना. तो देखिए, क्रेडुलस है पल्सटिल और इम्प्रेशनेबल है. यानी इम्प्रेशनेबल एक बड़ा रूपरेखा है, देखिएगा उसमें बहुत दवाइयाँ हैं. ये सारी दवाइयाँ क्या होती है कि इन पे जैसे किसी कोई कुछ कहता है ना, तो इन पे इम्प्रेशन पड़ता है. अच्छा, अब वो इम्प्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो पल्सटिला को क्या होता है कि पल्सटिला जो है, अब उसकी अगर कोई तारीफ करता है, वो भी उसको है ना महसूस होती है. कोई उसकी बुराई कर दे, कोई उसकी बीमारी के बारे में कुछ कह दे, तो उससे वो मतलब वो जो इम्प्रेशन है उसके ऊपर तुरंत पड़ता है. और फिर वो उस पर अमल भी करता है. देखिए, उसमें क्रेडुलस है. क्रेडुलस क्या होता है? सहज विश्वासी है ना, कि मतलब विश्वास कर लिया उसने बड़े आसानी से और उसको अमल में ले आया. उसमें और दवाइयाँ भी हैं, और देखिएगा चार पांच दवाइयाँ हैं उसमें. तो ये सारी दवाइयाँ क्या होती है, आसानी से यकीन कर लेती है किसी के भी ऊपर. बेलाडोना है, स्टेफिसेग्रिया है, उसमें ये लोग भी क्रेडुलस होते हैं एक बच्चे के जैसे. कि मतलब जैसे किसी ने कुछ भी बोला और उसको मान लिया. किसी ने कहा कि भाई टाइफाइड है, तुमको हो सकता है उसमें इस तरह का बुखार आता है, तो हाँ हो गया. और पल्सटिला को लाइट नहीं चाहिए. लेकिन पल्सटिला जब डार्कनेस होती है इस तरह की, अंधकार जब छाता है ना, कि अब ये बीमारी क्या हो रही है, क्यों बुखार आ रहा है ना, क्यों है ना प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती है. डार्कनेस एग्रावेट है ना, एंजाइटी डार्क, ये सब के अंदर पल्सटिला है. लेकिन उसको लाइट की वो नहीं है, उसको डिजायर. आप बस उसको निकाल दो उसमें से. कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है ना, कि आप उसमें से उसको निकालो. और क्या है यहाँ पे, पेशेंट ने क्या बोला कि आप जब पहले ट्रीटमेंट करते थे तब भी तो मैं पेट का दर्द वगैरह बताती थी, तो उस समय ना सर आपकी दवा असर नहीं कर रही थी. तो क्या होता है, देखिए उस समय उनको बहुत अच्छा आराम आया था, तभी उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ा था. और उसके वो ट्रीटमेंट छोड़ने के 4 से 6 महीने के बाद फिर उनको दिक्कत हुई ये अपेंडिसाइटिस के. तो लेकिन पेशेंट ने क्या कहा कि सर कोई आराम नहीं आ रहा, इसीलिए है ना वो शायद है ना वो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम चल रही है. तो पल्सटिला क्या होता है, थोड़ा अनग्रेटफुल होता है. अगर उसको रिलीफ आया होगा या आपने उसके लिए कुछ किया है, तो भूल जाता है ऐसी चीज, आपको क्रेडिट नहीं देगा. कृतज्ञ जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वो होता है पल्सटिला. थ्योरीज बना लिया कुछ दिमाग में. तो एक रेमेडी के डिफरेंट आयाम को समझने के लिए आप इसीलिए केसेस को सुनिए, डिफरेंट डॉक्टर्स के अलग अलग केसेस जो प्रेजेंट करते हैं, पढ़िए. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अपने होम्योपैथी की जहाँ पे प्रेजेंट करते हैं केसेस, जर्नल्स हैं और वीडियोस में लोग प्रेजेंट करते हैं, सेमिनार्स वेबिनार्स वगैरह में प्रेजेंट करते हैं. तो जब आप ये डिफरेंट आयाम समझेंगे, तो आप पल्सटिला को और या कोई भी रेमेडी को उसको पूरी तरह से तो देखिए हम कभी नहीं समझ सकते, पर उसको मैक्सिमम जितना हो सके हम उतना उसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. और ये पेशेंट ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ और क्या कही थी मेरे से, ये जो मेड थी, कि सर मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो ना मैं सर ना मतलब आराम तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा काम है कि कोई छुट्टी तो देता नहीं है सर, तो सर मतलब आराम तो मेरे को चाहिए ना, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बताइए सर. ठीक है. तो देखिए क्या होता है कि ये बहुत सिंपल है कि उसको क्या सिंपथी चाहिए. अभी आप बोलोगे कि नहीं रेस्ट डिजायर और ये है, वो ठीक है आप ले सकते हो उसको, लेकिन वो देखो क्या कह रही है ना, कि मतलब मैं बीमार हूँ तो थोड़ा तो मेरे पे दया, थोड़ा सा मेरे प्रति सिंपथी दिखाओ, मेरे को छुट्टी दे दो ताकि मैं आराम कर सकूँ. मुझसे भी मांग रही है सिंपथी कि हाँ डॉक्टर साहब सही है कि नहीं बताइए, थोड़ा आराम करना चाहिए, पर मिलेगी नहीं ना छुट्टी, सर क्या करूँ मैं,
ऐसा काम है, तो वही फिर पिटीज वन सेल्फ। पल्सर दिला के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बहुत पहले बनाया था, उसको जरूर देखिएगा। और क्या बोला, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली बातों बातों में इस पेशेंट ने, कि उसके हस्बैंड बैठे हुए थे, तो बोलती है सर मेरी आधी बीमारी का कारण तो यही है। मैंने बोला क्या? बोलते अरे सर ये ना मतलब आस पड़ोस में सबको बताते हैं कि है ना मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनको क्या जरूरत है सर सबको बताने की, है ना, क्या कैसा है ना, फिर सब लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे सब लोग। अच्छा सर आधी तो टेंशन यही देते हैं। ओके ठीक है। तो क्या होता है, देखिए पल्सर ढीला क्या होता है, वो दूसरे के ओपिनियन के जो होता है आसपास के लोगों का, उससे उसको डर लगता है दूसरे लोग कैसा सोचेंगे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना। तो ये एक होता है। और देखिए हस्बैंड उसको लेके आया है, उसका इतना इलाज कराया, इतना उसको ऑपरेशन का खर्च उठाया, सब कर रहा है वो, लेकिन उसको अभी भी ऐसा लगता है कि ये मेरी बीमारी का कारण है, ये तो सर मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, है ना। तो वो जो अफेक्शन एब्जॉर्ब्स और ये सब होता है, उसको सिंपैथी का, अफेक्शन का, है ना, स्नेह का जो डिजायर है, वो पल्सेटिला का एक बहुत बड़ा थीम है। पेशेंट को पल्सेटिला प्रिस्क्राइब किया ना, और 10 डेज के लिए विथ जो यूजुअल मेडिसिन हमारी सेक्लेक होती है उसके साथ में दिया। 10 डेज बाद जब ये आई जब लौट के, मैंने बोला कैसे हैं? हाँ सर अभी तो आराम है, एक बिल्कुल एनर्जी में चेंज। मैंने बोला अच्छा फीवर उसके बाद से कब कितनी बार आया आपको? तो नहीं सर फीवर तो आया ही नहीं, 10-11 दिन हो गया सर, अभी तक तो फीवर नहीं आया। ठीक, ये जो केस पे हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है, इसके जरिए आपको और जो एस्पेक्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। आपके कोई अनुभव हो, आपके कोई केसेस हो तो उसको भी शेयर करिएगा, मेल भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, और आपके कुछ सुझाव हो तो उनको बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।